अगर आपको पता चले। अगला सवाल ये है, रहीम दास जी का एक दोहा है, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेरस डोलत आपने उनके फाटत अंग। अगर 80 के दशक की कश्मीर की सियासत देखें, अब्दुल्ला परिवार वर्सेस मुफ्ती मोहम्मद सईद देखें, तो अब जो गुपकार अलायंस के नाम पर बैठकें होती हैं कहवा पीते हुए, वो फौरी तौर पर तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट लगती हैं, लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पॉलिटिक्स है, काडर है, आपस में हितों का टकराव है, क्या इस बात की संभावना है कि जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये दोनों दल ऊपर से भी और जमीन के लेवल पर भी कोई समझौता कर पाएंगे, या पोस्टपोल पे बात चली जाएगी? बानी साहब, सौरव जी, पिछले आप 80 की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में भी आप कुछ चीजें देख लीजिए ना, देश में क्या हुई। क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे? ऐसा भी हमने देखा तो क्यों? क्योंकि जिस अंदाज से बीजेपी से त्रस्त है ये दोनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जिस अंदाज से कठे अनुभव, बहुत ही मतलब जो कड़वे अनुभव इनको हासिल हुए एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने में, चाहे फिर वो 2008 में उमर अब्दुल्ला जब एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री बने थे, या फिर महबूबा मुफ्ती का 2014 का अलायंस, तो इनको मतलब ऐसा ये अनुभव रहा कि वो सिर्फ दोनों पार्टियां ये चाहती है कि किस तरह से बीजेपी को जम्मू कश्मीर की सत्ता से बाहर रखा जाए, यही प्राइम फोकस है। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो हमने देखा जो डीडीसी इलेक्शंस हुए थे, जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे, उसमें जहां पर पीडीपी ने उम्मीदवार उतारे थे वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं उतारे थे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारे थे वहां पर, और अगर इनको कोई फेविकॉल का जोड़ दे देगा वो कांग्रेस लग रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला, जो 5 बार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, उन्होंने कहा मैं खुद स्वागत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में जाऊंगा लखनपुर, जहां से जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू हो जाती है, राहुल गांधी को वेलकम करने के लिए। और जो ही और महबूबा मुफ्ती भी इंतजार में थी, उनको न्योता मिले, उन्हें जो ही न्योता मिला तो उन्होंने भी कहा न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके समर्थक, उनके पार्टी वर्कर भी जो है इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एंटी बीजेपी जो एक, ये बताइए अब्दुल्ला साहब के परिवार में हु इज कॉलिंग द शॉट्स, उमर और फारूक? फारूक साहब ही, क्योंकि उमर साहब की फारूक अब्दुल्ला मानता नहीं है, और वो बार बार फारूक अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं। और अगर दिल्ली की भी बात करें, क्योंकि जब 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा था, जब इन दोनों पिता और पुत्र को जेल में रखा गया था, हाउस अरेस्ट रखा गया था, उसके बाद जो है बीजेपी को यह लग रहा था शायद वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बगैर भी आगे बढ़ा सकती है, और काफी सारे प्रयोग किए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, या सरकार ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में, कि कोई नेता उभरे, कोई नई पार्टी उभरे, लेकिन 3 साल की मेहनत के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं लगा, जिसमें लेटेस्ट एपिसोड कुछ लोग बताते हैं कि आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये समझ आ गई है गृहमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, देश की सरकार को भी, कि फारूक अब्दुल्ला के बगैर उनके पास जम्मू कश्मीर में कोई मोहरा नहीं है, उसी को उन्हें आगे बढ़ाना होगा, उसी को उन्हें सहयोग देना होगा, उसकी नसीहत माननी होगी और उनके अनुभव का फायदा उठाना। जुनैद हाशमी, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार पर आपकी टिप्पणी, उनकी राजनीतिक गतिविधियां पिछले एक साल की, उनके बयान, अलायंस की उनकी संभावनाएं और उनकी भविष्य की राजनीति। थोड़ा सा डिफर करूंगा, पीछे जम्मू और कश्मीर के लोग थोड़ा डिफर करते ही हैं, और क्योंकि दोनों जगह की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर भी हमेशा संघर्ष रहा है, बताइए क्या डिफरेंस है? बेसिकली जैसे अशरफ साहब ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों दल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के का जो काम करने का तरीका उससे त्रस्त हैं, लेकिन मैं सौरभ जी थोड़ा सा डिफर ये करूंगा कि थोड़ा पूरा मतलब घटनाक्रम थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार अलायंस के नेता हैं, गुपकार अलायंस के चेयरमैन हैं। उमर अब्दुल्ला पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझने की यह जरूरत है कि उमर अब्दुल्ला एक बयान देते हैं, कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी ने तय किया है कि हम जितनी भी 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे।
उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगले दिन बयान देते हैं कि आने वाले कल में जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो हम लोग मिलकर गुपकार तय करेगा कि हमको चुनाव कैसे लड़ना है, क्या हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, क्या हम क्या करेंगे, वो गुपकार तय करेगा। उसके बाद थोड़ा सा और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जेके सीए का मामला बना हुआ है, सीबीआई पड़ताल कर रही है, उसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी एक मामला है। लेकिन अगर आपने पिछले 6 महीने में ध्यान से चीजें देखी होंगी, ना तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कोई ज्यादा सवाल जवाब कर रहा है और ना ही सीबीआई बार बार बुला बुलाकर उनसे कोई पूछताछ कर रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाइए तो आपको उमर अब्दुल्ला की भाषा शैली और उमर अब्दुल्ला एक ट्वीट करके कहते हैं कि आज की राजनीति में हमें संभावनाओं पर जोर देना चाहिए, आज की राजनीति में इमोशंस का और बाकी सभी चीजों का कोई औचित्य कोई मतलब नहीं रहता। उस समय महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि शिवसेना टूटी थी और शिवसेना का एक बड़ा धड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ अलग हुआ था, तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी। तो यानी उस उमर अब्दुल्ला इशारा इस और दे रहे हैं कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने दमखम पर अपने बल पर हम लोग सरकार बनाएंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब गुपकार बना भी था तो गुपकार ने जब डीडीसी के चुनाव लड़े तो गुपकार के बनने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। और ये बात भी यहां पर हमको माननी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का दूसरा बड़ा, मैं तो ये कहूंगा क्षेत्रीय दलों में पहला बड़ा ताकतवर दल है, जिसकी जम्मू कश्मीर में भी जिसके पास कैडर है और जम्मू में भी कैडर है, कश्मीर में भी कैडर है, दोनों जगह पर ताकतवर दल है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ट्रैक 2 पर हो रही है या ट्रैक 3 पर हो रही है या कहीं पे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई, देयर इज समथिंग बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेंटर। और थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए आपको ये भी कहूंगा कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप देखते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब से बाहर आए हैं, यानी जब से अरेस्ट के बाद जब वो बाहर आए, उसके बाद वो लोकसभा में लगातार जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कोई कड़ा प्रहार किया हो, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, गृहमंत्री की कार्य प्रणाली के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, ये भी देखने को नहीं मिलता। यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मिडिल पाथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, बीजेपी को लेकर जरूर कहेंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, वो तो अल्ताफ बुखारी भी कहते हैं, वो तो अल्ताफ बुखारी भी बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन घाटी में अल्ताफ बुखारी को लेकर लोगों के बीच में एक चीज है कि जी अल्ताफ बुखारी तो ही सेंटर्स मैन, ही इज एमओएस, ही इज होम मिनिस्टर्स मैन, इस तरह की धारणा उनको लेकर लोगों के बीच में है। तो ये अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ क्यों चल रहे हैं, उसका कारण ये है, इस समय आप घाटी में एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि आप घाटी में इस समय कोई ऐसी बात करें जिससे घाटी के लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि यार ये तो नई दिल्ली के लोग हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत पहले एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में आपका दिल्ली की तरफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी उसका अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद ये था कि दिल्ली का आशीर्वाद है तो ही आप जम्मू कश्मीर में सरकार चला सकते हैं। और जब आप बयानबाजी की भी बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती जो है वो केंद्र के ऊपर जिस तरीके से प्रहार करती हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस झेल भी नहीं सकते, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही हैं। मैं नेता के तौर पे मानता हूं कि बहुत बहादुरी के साथ वो सारी चीजों को फेस कर रही है, लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस गुपकार का या किसी भी चीज का जो अल्टीमेट फायदा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी भांप लिया है, वो भी जानती है अच्छे तरीके से कि 90 की 90 जम्मू और कश्मीर संभाग की सीटों के ऊपर मुकाबला बीजेपी बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, जम्मू संभाग में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला करेगी अगर कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, क्योंकि जम्मू में सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर 7 पूर्व विधायक ज्वाइन करेंगे, सुनने में आ रहा है कि शायद चौधरी लाल सिंह जो पूर्व मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उसके अलावा पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं, अब अपनी उन्होंने पार्टी बनाई है डोगरा स्वाभिमान संगठन, कठुआ में बड़े बलशाली और ताकतवर नेता हैं, उनको लेकर भी सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो कोई अलायंस कांग्रेस के साथ कर सकते हैं, क्या हो सकता है वो कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के समय शामिल हो जाएं। तो मैं साफ तौर पर ये मानता हूं कि वो एक पेज पर दोनों हैं, लेकिन मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं पत्रकार के तौर पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र के बीच में किसी स्तर पर संपर्क जरूर है,
और उसी का कारण है कि हम ना तो उमर अब्दुल्ला से कोई तीखा वार सुन रहे हैं, ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कोई ऐसी बात सुन रहे हैं जिसको लेकर मैं और आप ये कहें कि यार ये तो बहुत तीखा बयान है जो उन्होंने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री।